आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के अध्यादेश को लेकर नीमा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन और IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यमुनानगर में आमने सामने आ गए हैं, जहां IMA ने आधे दिन की हड़ताल रख इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की और 11 दिसंबर को पूर्णतया हड़ताल की चेतावनी दी। वहीं नीमा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर इस हड़ताल का विरोध किया। नीमा के डॉक्टर महेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आधुनिक सर्जरी आयुर्वेद के विशिष्ट ग्रंथ सुश्रुत संहिता की ही देन है, इस वजह से ही आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना गया है। आयुर्वेद चिकित्सा का प्रारूप और पाठ्यक्रम CCIM तैयार करता है। इस विधि में BA, MS, MD और MS की डिग्री हासिल की जाती है। सर्जरी की पात्रता करने वाले ही शल्य क्रिया कर सकते हैं। IMA का ये कहना गलत है कि आयुर्वेद चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकते, इसलिए वो कल निशुल्क OPD देखेंगे। एलोपैथिक चिकित्सा की अगर सर्जरी के बारे में बात करूं, ये सिर्फ 150 साल पुराना इन लोगों का इतिहास है। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा जो जिसके जनक सुश्रुत जी को माना जाता है, सुश्रुत संहिता जी उन्होंने लिखी है, वो 5000 साल पुराना ग्रंथ है और उसी के बेस पे सारा संसार आज सर्जरी करता है। तो 150 साल पुरानी पद्धति वाले हमें 5000 साल पुरानी पद्धति वालों को ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी पद्धति बेहतर पद्धति है, जबकि लाखों करोड़ों लोग हजारों सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा करवा करके अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। संसार के सबसे अच्छे शिक्षा के सेंटर तक्षशिला, बनारस यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी थे। संसार के सभी लोग वहां पर शिक्षा लेने के लिए आते थे और यहां से शिक्षा लेकर के सारे संसार में ये आयुर्वेद फैला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, जितना भी आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी सर्जरी गवर्नमेंट ने, बहरहाल नीमा 11 दिसंबर को सेवाएं जारी रखेगा और नीमा के सभी डॉक्टर सदस्य निशुल्क OPD देखेंगे, साथ ही फ्री इलाज करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।